आगरा के एक कपल से मिलवा देते हैं। आज सुबह ही इनकी शादी रस्म पूरी हुई है। मौका मिलते ही ये मतदान के लिए पहुंचे। हमारे संवाददाता राजू राज की खास रिपोर्ट देखें। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहेंगे कि अब हर इंसान अपने मत का अधिकार के लिए जागरूक हो रहा है। ऐसे ही एक कपल आगरा की हैं जो सुबह शादी हुई और अपने घर पहुंचकर तमाम जो रस्में उसे पूरा करके सीधे मतदान केंद्र पहुंचे हैं अपना मत का अधिकार देने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए दिव्यांशी और अमन है जिनकी शादी आज सुबह ही खत्म हुई है और सीधे ये रस्म अदा करने के बाद मतदान केंद्र पहुंचे। इनसे बात करते हैं कितना एक्साइटमेंट था शादी जैसे महत्वपूर्ण अपना जो एक रस्म होता है उसे पूरा करने के बाद ससुराल जाने से पहले आप अपना वोट देने के लिए आई हैं। जब मुझे पता चला था कि वोट की डेट मतलब जो है ये 10th है एंड शादी ऑब्वियसली 9th की थी, बट नहीं था, हमेशा से था कि नहीं वो कुछ भी हो जाए नेक्स्ट डे 5 मिनट के तो हम जा ही सकते हैं वोट डालने के लिए। एंड इवन सारी फैमिली भी बहुत सपोर्ट कर रही थी कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए थोड़ी देर ही है तो आना चाहिए, वोट डालना चाहिए। अमन, आप अपनी दुल्हनिया को लेकर वोट दिलाने के लिए आए हैं, कैसा फील हो रहा है? गर्व महसूस हो रहा है कि मतलब अगर 5 मिनट भी अगर निकाल के आए तो कम से कम यहाँ पे अपना 5 ईयर्स सिक्योर करके आए हैं। कोई भी जीते लेकिन 5 मिनट अपने देना ही है एक कैंडिडेट को। तो जब आप लोग यहाँ पर आते हैं युवाओं में जैसे बहुत ज़्यादा हम लोग क्रेज नहीं देखते हैं वोटिंग के लिए या वोट देने जाना है, बस छुट्टी मनाना है, लेकिन आप शादी की और सीधे वोट डालने के लिए पहुँचे यहाँ पे। एक तो मैंने जो भी पहले भी मेरे पास ये काफ़ी पहले बार नहीं है वोट देना, पहले भी मैंने और बार दिए हुए हैं वोट, तो मैंने ये देखा है कि जब भी मैंने वोट दिया है उसके बाद इतना डेवलपमेंट हुआ है मेरे एरिया के अंडर कि मेरे को वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कि एक एक वोट से भी बहुत मायने रखता है मेरे लिए। और युवाओं में क्रेज़ इसलिए नहीं है कि एक तो संगत का भी है कि अगर जब सब लोग देखेंगे तो एक बंदा दूसरे बंदे भी जाएगा, अगर सब जगह यही रहेगा कि वोट देना सबको रहेगा तो सब मिल के आके देंगे। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा आपसे, आपका बीजे शेड्यूल भी है, आपको तमाम और रस्में पूरा करना है, कि क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हर आदमी अपने घर से निकले वोट दे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि हम सब कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे एरिया में ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये कमी है, वो कमी है, तो क्यों ना हम वो कंप्लेन करने की जगह अगर हम थोड़ा टाइम निकालें और एक अच्छा कैंडिडेट ही सिलेक्ट कर लें ताकि वो चीज़ जो प्रॉब्लम हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं उससे बेटर कुछ डेवलपमेंट ही हो जाए। सो उस चीज़ के लिए ही आओ और वोट करो।